बहुत सारे देशवासियों की तरह मैंने भी आरची कॉमिक्स नहीं पढ़ी है। साला नंदन और चाचा चौधरी के आगे ही नहीं बढ़ पाए, इसीलिए मैंने इस मूवी को एक इंडिपेंडेंट स्टोरी की तरह जज करा है और उसके बेसिस पर ही मेरी ओपिनियंस है। सो हाय गाइस, मेरा नाम सौरभ है एंड यू आर वॉचिंग द अनऑफेंडर। मुझे लगता तो नहीं मेकर्स की इंटेंशन इसे किसी भी तरह से एक इंडियन अडेप्टेशन बनाने की थी, क्योंकि मूवी में एक्टर्स को छोड़ के कुछ भी इंडियन फील नहीं होता। लेकिन क्रिएटर्स के विजन को रिस्पेक्ट करते हुए और समझते हुए कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, मैं कहूंगा कि आर्ची मूवी एक बहुत ही बेसिक मूवी है और हर किसी के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को केटर करती है और एक शॉर्ट स्टोरी काइंड ऑफ अ फिल्म है। रिवरडेल की जो हिस्ट्री है उसमें उसकी ग्रीनरी का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और अब वहाँ के सिटीजन्स उस ग्रीनरी को सेव करेंगे अगेंस्ट बिजनेसमैन जो वहाँ पर प्लाजा बनाना चाहते हैं। इतनी स्टोरी तो हमें ट्रेलर देख के भी समझ आ गई थी। उसके बीच कुछ स्कूल के बच्चे हैं जिनके अपने पंगे हैं और वो सभी काफी अंडर रिटन कैरेक्टर्स हैं। जो तीन स्टार किड भी थे, बेटी, वेरोनिका और आर्ची, वो भी स्टैंड आउट नहीं करते, दे वर एवरेज एट बेस्ट। लेकिन हाँ, क्योंकि ये एक म्यूजिकल है और म्यूजिक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस मूवी में स्क्रीन प्ले को आगे बढ़ाने में, तो डांस करने में तो इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन आई थिंक डायलॉग डिलीवरी और परफॉर्मेंस में दे आर लाइक एवरेज एट बेस्ट। मेरे लिए एक ही कैरेक्टर स्टैंड आउट करा है, वो थे जिन्होंने रेजी प्ले करा है। वो फुल ऑन कैरेक्टर में थे और मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। जिन एक्टर्स ने इन बच्चों के पेरेंट्स का रोल करा है वो सभी बहुत ही एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं और हमने उन्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में देखा हुआ है एंड उन्होंने यहाँ पर भी काफी अच्छा काम करा है। उसके अलावा जो एक और चीज स्टैंड आउट करती है वो है मूवी के एस्थेटिक्स, वर्ल्ड बिल्डिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ओवरऑल जो वर्ल्ड की वाइब सेट करी है, इट वर्क्स फॉर द फिल्म। ओवरऑल आई डोंट फील कि आर्ची कोई बहुत मेमोरेबल मूवी होने वाली है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि एक म्यूजिकल है। आई विश जोया अख्तर ने ये मूवी डायरेक्ट नहीं करी होती और अपने किसी फर्स्ट असिस्टेंट से बोला होता इसको डायरेक्ट करने के लिए, बट मे बी क्योंकि इसके अंदर तीन बहुत बड़े स्टार किड्स थे, शी हैड टू डायरेक्ट दिस फिल्म। ये एक बहुत ही बेसिक हाई स्कूल म्यूजिकल फील गुड मूवी है, तो कभी आपका कुछ बहुत लाइट देखने का मन करे या फिर आप आर्ची कॉमिक्स के बहुत बड़े फैन हो तो मे बी ये आपकी कम्फर्ट मूवी भी बन सकती है। सो यू हैव टू डिसाइड वॉट काइंड ऑफ ऑडियंस आर यू एंड देन यू कैन वॉच or not watch Archie accordingly. So these were my thoughts on the Archies. You can chime in your thoughts in the comment section and thank you for watching.